दोस्तों इन दिनों सनी देओल ने बीजेपी पार्टी को ज्वाइन करके काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर ली हैं। तो वहीं सनी देओल अपने एक्शन की वजह से बॉलीवुड में काफी ज्यादा मशहूर हैं। वैसे तो सनी देओल के दो ही बेटे हैं जिनका नाम करण देओल और राजवीर देओल है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना सनी देओल को पापा कहकर बुलाती हैं, जिसकी वजह से ये दोनों इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों बताते हैं आपको आखिर माजरा क्या है। लेकिन इससे पहले आप सनी देओल के शानदार अभिनय के लिए हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों सनी देओल के अफेयर की खबरें किसी से भी छुपी नहीं। ये बात भी आम है कि उन्होंने अपनी शादी पूजा देओल से अपने पापा धर्मेंद्र की मर्जी से की थी, जिसमें उनकी कोई भी मर्जी शामिल नहीं थी। तो वहीं इन दिनों डिंपल कपाड़िया भी अपने करियर की भागदौड़ में लगी हुई थी। उनकी फिल्में उस टाइम पर काफी ज्यादा हिट साबित हो रही थी। लेकिन सभी को झटका तब लगा जब डिंपल कपाड़िया ने अपने से 16 साल बड़े राजेश खन्ना से शादी कर ली। लेकिन यह रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल पाया और बहुत जल्द दोनों अलग हो गए और उस समय सनी देओल भी अपनी शादी से खुश नहीं थे। इधर डिंपल कपाड़िया का काका यानी कि राजेश खन्ना के साथ नया नया ब्रेकअप हुआ था। फिल्म मंजिल के दौरान सनी देओल और डिंपल कपाड़िया के अफेयर की खबरें सामने आने लगी और ये खबर मीडिया में आग की तरह फैल गई कि ये दोनों पूरे 11 साल तक रिलेशनशिप में रहे हैं। यहाँ तक कि खबरें ये भी आई कि दोनों ने चोरी छुपकर शादी कर ली है, जिसकी वजह से ट्विंकल खन्ना और उनकी बहन रिंकी खन्ना सनी देओल को छोटे पापा कहकर बुलाती है। सनी देओल भी डिंपल कपाड़िया को अपनी पत्नी का दर्जा दिया करते थे। लेकिन इन दोनों का 11 साल का रिश्ता तब टूटा जब इन दोनों के बीच रवीना टंडन आ गई, जिसके बाद से ये दोनों एक दूसरे से दूर होते चले गए। तो दोस्तों आप सभी को सनी देओल की जोड़ी किस एक्ट्रेस के साथ ज्यादा पसंद है आप हमें कमेंट करके बताइए। बॉलीवुड से जुड़ी और भी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।